वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है गॉड ऑफ गेमिंग के नए फ्रेश एपिसोड में। आज हम खेलने वाले हॉरिजॉन जीरो डॉन न्यू गेम प्लस मोड में। गाइस गेम स्टार्ट होने वाली है। सो हमारी मेन कैरेक्टर हमारे सामने आ चुकी, इसका नाम है अलॉय। He wouldn't do that. He said we'd go this morning. Why isn't he here? Where's he gone to? What's he doing up there? He's just standing there. What's going on with him? Aloy. When you said we were gonna... We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity. Once you have... Yes. Anything... If... I'll go gather the... Aloy. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster and no other trader will sell... Stop. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. Something's really bothering him. The embrace. My whole life I've never gone down this way. और आप अगर न्यू प्लेयर हैं या फिर न्यू गेम खेल रहे हैं तो आप सबको मेन वे से ही आना है। ऊपर आपको एक कंपास दिख रहा है जिसमें एक आई कलर का आपको लोगो दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको मतलब दो तीन लाइंस आ रही हैं। उन लाइंस का मतलब ये है कि यू आर मेकिंग नॉइस। आप जब सोच साउंड करेंगे या जंप करेंगे तो आप देख सकते हैं वो साउंड आपको देख सकते हैं साइड में दिखाता है। और उसका आई का दिखने का मतलब ये है कि आपको कोई भी देख सकता है, यू आर विजिबल। और अगर आपको मशीन से बचना है, छुपते हुए जाना है, तो आईज़ क्लोज होगी अगर आप इस तरह के टॉल ग्रासेस में क्राउच करके बैठेंगे। और क्राउच करने के लिए आपको बॉक्स क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इस बार मैं साइड से रास्ता ले रहा हूँ क्योंकि साइड में बहुत सारी मशीन्स हैं, वो मशीन्स वॉचर हैं। आप देख सकते हैं आपको स्कैन करने के लिए R3 मतलब अपने राइट जॉयस्टिक है जिससे आप कैमरा कंट्रोल करते हो, उसको एक बार क्लिक करना है। देख सकते हैं मैंने बहुत सारे बॉम्ब्स क्रिएट कर लिए हैं। और आपको ये जो जो वेपन्स आपके पास होंगे, आपको अगर अपना वेपन सर्चल खोलना है तो आपको अपना L1 होल्ड करना है और उसके बाद आपने R जो स्टिक से सेलेक्ट करना है अपना वेपन, X वो होल्ड करना है क्रिएट करने के लिए। और हर एक वेपन को क्रिएट करने के लिए आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे देख सकते हैं बम्स को बनाने के लिए मेरे को ब्लेस चाहिए, और अगर और इसमें अलग अलग लेवल्स के वेपन भी होते हैं जैसे कॉमन वेपन, रेयर वेपन और एपिक वेपन भी आप कह सकते हैं। और इसमें मनी शार्ड्स के आपको मिल सकती हैं, आपको हर एक मशीन्स के अंदर शार्ड्स कुछ कुछ मिलेंगे। और आप उनके मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कि आप कह सकते हैं वॉचर की लेंस, उस लेंस को बेच के आपको शार्ड्स मिल सकते हैं। उन शार्ड्स को बेचने के लिए आपको शॉपकीपर्स के पास जाना होगा, सेलर्स के पास। आप देख सकते हैं फिर से मैंने एक और शॉर्टकट लिया है क्योंकि साइड्स पे बहुत सारी मशीन्स हैं। सो गाइस मैं उनमें से एक को हंट करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो जो चीज़ चमक रही है उसी ब्लेज कहते हैं, और ब्लेज एक तरह से आप पेट्रोल मान सकते हैं या पेट्रोल डीजल।
उसमें फायर जब आप जैसे डालते तो फटते हैं, इसीलिए इसमें एक तरह का फिजिक्स भी काम आता है। देख सकते हैं मैंने ब्लेज में फायर किया है, वो ब्लेज फटा नहीं है, आपको दो तीन बार और ट्राई करना है और जैसे ही उस ब्लेज में शॉट लगेगा वो फट जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक करनी है, मतलब आपको ऐसे अटैक करने मिली अटैक करने हैं, अगर आपके पास पहले से अगर उसके पास ज़्यादा हेल्थ नहीं है तो आपको अपना R1 क्लिक करना है, R1 स्टिक, और अगर आपको हैवी अटैक करना है, हैवी मिली अटैक, तो उसके लिए आपको अपना R2 ट्रिगर यूज़ करना होगा। आप देख सकते हैं अंदर मेरे को वॉचर का हार्ट मिला, हार्ट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और अलग अलग वेपन्स खरीदने के लिए आपको ये सब लगते हैं। कई बार इसमें आपको कुछ तरह के अपग्रेड्स भी मिलते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें अपना वो जो आपका सैचल कहते हैं जिसको, यानी कि आप एक बार में आपको सिर्फ 10 बोज ही यूज़ कर सकते हैं, उसको आपको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें फाइंड करनी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, बहुत पास हूँ, और जैसे ही आप जितना पास पहुँचते जाएंगे उतना पास साइड में आपका जो मीटर्स है वो कम होता जाएगा, और तो और वो आपको अगर आप उसकी रेंज में होंगे ज़्यादा क्लोज होंगे तो आपको एक साइन टाइप से दिखेगा। आप देख सकते हैं मैं बाबा एक्स क्लिक कर करके स्किप कर रहा हूँ, अगर आपको इनसे चैट करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं साइड में एक लोगो बना हुआ था मिशन का लोगो, आपको उसी को क्लिक करना है और आप आगे जा सकते हैं। इसमें आपको गेम सेव करना है, आपको गेम सेव करने के लिए ट्रायंगल क्लिक करना है, और अगर आपको मैन्युअली सेव करना है तो आप बॉक्स क्लिक करके मैन्युअली सेव भी कर सकते हैं। सो गाइज आई एम गोइंग टू स्किप दिस वीडियो। सो हम एंटर कर चुके हैं, ये एक तरह का विलेज है जहाँ पे स्वैचू यानी कि बड़ी बड़ी मशीन्स के अलग अलग नाम होते हैं, इस मशीन ने अटैक किए थे इनके ग्रुप ने, उन्हीं को तोड़ा उड़ा गया है। और आपको अगर आपको अच्छी लूट चाहिए, अच्छे शार्ट्स चाहिए, अच्छे आर्मर चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को किल करना है, बड़ी से बड़ी मशीन्स को, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन चीज़ों को आपको ढूंढना है, उनको स्कैन करना है, उनके अंदर से लूट करना है। और याद रखिए आपको हर चीज़ लूट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी सैचल की कैपेसिटी, रिसोर्स कैपेसिटी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स रखिए। और इसमें अलग अलग स्किल्स भी होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और आपके लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको उतने स्किल्स पॉइंट मिलते जाएंगे। देख सकते हैं सामने वॉचर है, आपको वॉचर को मारने का बेस्ट तरीका है कि आप उसके सीधे लेंस में मारे। देख सकते हैं मैं जैसे ही तुरंत जाके लूट कर ले रहा हूँ, बार बार लूट करना आपको बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेन गेम में आपको लूट ही मेन है आपकी मेन चीज़, क्योंकि आपको उनके अंदर की मेन जो शार्ट्स है वो चाहिए और उनके अंदर के पार्ट्स चाहिए जिससे आप मेन वेपन खरीद सकें। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे वेपन्स थे, एपिक। फिर से वीडियो स्टार्ट हो चुका है, और इस वीडियो में ये कुछ बता रहा है, यहाँ पे ये इसको हंट के लिए लाया है, एक बड़ी मशीन से फाइट कराने के लिए। आप देख सकते हैं इसी मशीन को स्वैचू है जो हम लोगों ने शुरुआत में गेट के अंदर आते वक्त एक मरी हुई देखी थी मशीन, यही है वो मशीन। और इस मशीन की कमजोरी फायर है, आप इन मशीन्स को स्कैन करके चेक कर सकते हैं इनकी वीकनेस क्या है। देख सकते हैं नीचे फायर सिंबल दिखा रहा है, इसलिए मैं इनके ऊपर फायर अटैक करूँगा,
और देख सकते हैं जैसे कि मैंने स्किल्स खोली हैं, इसी वजह से मैं एक साथ 3 बो चला सकता हूँ। Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow.